नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक देश से आप लोगों के समक्ष गांव शहर और राजनीति को राजनीति एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड में हम आप सभी को बताया कि हम गांव शहर और अन्य समस्याओं जो हमारे इस क्षेत्र में रहती है इसी को लेकर आते हैं। जैसे कि हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट निकलता है समय समय पर, उसके लिए हमारे अभिभावक, उसके लिए हमारे टीचर सभी जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करते हैं दिन रात, माता पिता से लेकर और स्कूल के सभी स्टाफ से लेकर। ऐसे में बच्चे जो है आजकल जो है परसेंटेज को लेकर हम अगर देखेंगे, अगर गांव में या घरों में अपने माँ बाप भी हम अपने बच्चों से पूछते कि आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स कितना रहा। ऐसे में कुछ संस्थाएं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग सेंटर अपने जो बच्चे या 90% ले रहे हैं या 60% ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया में प्रचार किया जाता है। तो क्या ऐसे में जो 90%, 60%, 70%, 50%, ये जो परसेंटेज का जो है दौर आ गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकरीबन उन बच्चों को टैलेंट कहीं नहीं देखते। वो जो आपका बच्चा टैलेंट में है या नहीं है, या अन्य का बच्चा टैलेंट में है या नहीं है, क्यों हम परसेंटेज की ओर दौड़ रहे हैं, क्यों हम परसेंटेज की ओर भाग रहे हैं, इन्हीं विषयों को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है चर्चा में सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट, सोशल मीडिया में वायरल बच्चों के परिणाम 100% होते हैं, तो इससे क्या दूसरे बच्चों में प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारे आज के अतिथि हैं जो जुड़ेंगे और जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़े हैं, आदरणीय हमारे थापा सारिंग से जो स्कूल है किन्नौर के अंदर में बहुत सुप्रसिद्ध स्कूल है, हमारे जीपीएस थापा सारिंग से जेबीटी टीचर, हमारे सीएम नेगी चंद्रमोहन नेगी जी, और हमारे केमिस्ट्री के अध्यापिका हमारे किन्नौर से रंजना मैडम जी, किन्नौर रिकांगपियो में पढ़ाते हैं। और इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे छोटे ब्रदर असिस्टेंट प्रोफेसर रतन नेगी जी, और हमारे साथ जुड़ने वाले थे तेजिंदर नेगी जी, उनकी तबीयत जो है खराब हुई है तो इसलिए जुड़ेंगे नहीं। तो हमारा विषय है आज का कि क्या जो हम अब बच्चों का जो परसेंटेज आ रहे हैं उसको हम न्यूज़ में दे रहे हैं या सोशल मीडिया में दे रहे हैं, तो इससे गांव समाज में अन्य बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है क्या? उनको ताना भी सुनना पड़ता है क्या? वो बच्चे क्या मेहनती नहीं हो सकते? इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से। रंजना मैडम जी, आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रंजना मैडम जी, तक अभी कैमरा सेटिंग कर रहे हैं। तो मैडम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आपके कैमरा ऑफ है, ये माइक ऑफ है। मैडम जी के थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, जुड़ जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आज हमारा चर्चा है बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, बच्चों के मानसिक जो शारीरिक, आप लोग 24 आवर बच्चों के साथ रहते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, उनके जो है जो रुचियों को जानते, तो इसी विषय पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आपका वर्तमान परिचय हम आपके मुख से ही जानना चाहेंगे। अपना स्वागत है। जी, मैं चंद्रमोहन नेगी एज ए जीबीटी टीचर राजकीय प्राथमिक पाठशाला थापा सारिंग में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हूँ सर। और मेरा जो टीचिंग में एक्सपीरियंस है तो 15 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, अगर मैं दो जी दो साल जो ट्रेनिंग पीरियड को एक्सक्लूड करूँ तो। मैंने प्राइवेट जी स्कूल में भी मैंने की है, टीचिंग की है। और
जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बच्चों का, उसमें भी काफी समय से काम किया है। कभी सफलता हाथ लगती है तो कई बार असफलता हाथ लगती है। तो जी अभी तक तो परिचय सर मेरा यही है, मैं एक टीचर के रूप में अभी तक यहाँ थापासारी में काम कर रहा हूँ। जी तो चलिए अन्य अतिथियों को भी बुलाते हैं हम मंच पर। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि चंद्रमोहन जी, जिनका एक्सपीरियंस कई सालों से बच्चों के साथ रहे हैं, और हमारे साथ अन्य अतिथि भी जुड़े हैं, उनको भी मंच पर बुलाते हैं। मैडम रंजना जी, आपका पुनः स्वागत है हमारे पेज में। आपकी माइक फिर दिक्कत आई है, माइक ऑफ है शायद, माइक ऑफ है। जी हाँ जी, हाँ जी, मैं बायोलॉजी की अध्यापिका हूँ, केंद्रीय विद्यालय रिकांगपियो। बायोलॉजी, जी मैंने केमिस्ट्री बोल दिया। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं बायोलॉजी की हाँ जी, अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय रिकांगपियो से। और मानसिक जो बच्चों में जो दिन प्रतिदिन जो है हम देख रहे हैं कि माताओं में और हमारे जो समाज में एक परसेंटेज को लेकर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। अन्य अतिथि हमारे साथ जुड़े हमारे छोटे ब्रदर, हमारे प्रोफेसर जी रतन जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में। आपका भी माइक ऑफ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इनवाइट करने के लिए। आप सभी का स्वागत है। आप लोग 24 आवर हमारे जो बच्चों के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य है आप लोगों के हाथ में रहता है। ऐसे में जो आजकल परसेंटेज का दौर रहता है, परसेंटेज का जो एक माहौल बना है, जैसे ही परसेंटेज में बच्चे आते हैं, न्यूज चैनल सबसे आगे आ जाता है, पत्रकार जो जो प्रेस मीडिया आगे आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे पेज है जो आगे आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका आगे आना तो बहुत जरूरी, लेकिन इससे क्या मानसिक परेशानियां जो है अन्य बच्चों को भी झेलना पड़ता पड़ता होगा। तो सबसे पहले मैं रंजना मैडम को, क्योंकि रंजना मैडम एक जो है मैडम जो एक अध्यापिका के साथ एक मातृत्व का भी है, इसमें इनमें जो है एक भावना रहती होगी बच्चों के प्रति, जैसे माता पिता का एक अपना होता है, तो उस रुझान से हम जानना चाहेंगे। मैडम जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में पुनः आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे मैडम जी, आपके स्कूल में लगभग अगर मान लेते 100 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे में आपके 3-4 बच्चे टॉपर आते हैं, तो और टॉपर बच्चे जो है बहुत हाईलाइट हो जाते हैं, तो ऐसे में अन्य बच्चों में क्या भावनाएं देखने को मिलती है आपकी ओर से? अगर मैं एज ए अध्यापिका बात करूं तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो पूरे स्कूल के लिए भी गर्व का विषय होता है, और साथ साथ स्कूल में उन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे स्कूल से बच्चा इतना अच्छा स्कोर कर रहा है। और इससे अन्य बच्चों पे कोई ऐसे मानसिक वो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उनके लिए एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। पर एज ए पेरेंट जब मैं देखती हूँ तो जो पेरेंट्स थोड़े अवेयर हैं वो जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा भी अगले साल, उस बच्चे का इतना आया तो मेरा बच्चा भी अगले साल उससे और आगे बढ़े। तो ऐसे अवस्था में पेरेंट्स जरूर प्रेशर अपने बच्चों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, और बच्चों को जरूर प्रेशर फील भी होता होगा उन बच्चों के लिए जो अच्छा पढ़ रहे हैं या जो उस कंपटीशन में हैं। बाकी वैसे तो ऐसे बच्चे स्कूल के लिए गर्व की बात तो है ही है, इससे बच्चों में कोई ऐसे नेगेटिव वो नहीं होता है, बल्कि और अच्छा उनके लिए और एक प्रेरणादायी वो होता है, और बच्चे टारगेट सेट करते हैं कि इस बार इतना आया तो अगले बार हमारे उसके मार्क्स से और अच्छे आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसे लगता है। जी रतन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जो आजकल परसेंटेज को लेकर बच्चों में इस प्रकार का जो एक पूरा एक माहौल बनाया गया है, क्या इसमें अन्य बच्चों को थोड़ी सी पीड़ा होती है जब गांव घर में गाली सुनने को मिलता होगा, तुम तो वहां के वही हो, वहां देखो वो कहाँ है? तो ये इस पर थोड़ा सा आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, जो परसेंटेज में जो वेरिएशंस आता है तो उसमें जो स्टूडेंट्स है या जो पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर करते हैं अपने जो बच्चे हैं उनको प्रेशर करते हैं कि आपके मार्क्स कम हैं उनके ज्यादा है। तो मैं तो यही कहूंगा परसेंटेज बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके अलावा आप कितने प्रैक्टिकल है ये जो है जानना आवश्यक है, जो मेरा जो ओपिनियन है। और आज के समय में जो परसेंटेज का जो हम देख सकते हैं कि 80%, 90%, इवन कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं
वो भी अपने आप को जो है ये सोचते कि कम है, और 1-2% से भी कोई बच्चा कम या ज्यादा आता है उनमें भी जो कंपटीशन होता है, परंतु ये डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे लेते हैं। उसको अगर आप पॉजिटिव सेंस से ले तो उसके एक इंस्पिरेशन होगा कि मेरे कम आए तो मैं जो है और मेहनत करके जो है इसको और अच्छी तरीके से मेहनत करके नेक्स्ट ईयर जो है अगली क्लास में जो है अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ। परंतु कहीं ना कहीं जो जो पेरेंट्स हैं उनका जो ओपिनियन है, जो उनका जो मत है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ज्यादा रहता, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव रहता। तो उनको उनको एक एक पॉजिटिव सेंस से लेना चाहिए कि आपको जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है जीवन में, और सक्सेस के लिए आज के समय में कंपटीशन के जितने भी एग्जाम हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स क्लिक कर पाता है जो यानी किसी न किसी रूप से एकेडमिक में जो है उसके परसेंटेज कम हो। वो क्योंकि प्रैक्टिकल हो सकता है, व्यवहारिक नॉलेज उसको ज्यादा हो सकता है। आज बच्चे 95% लेते हैं, 99% लेते हैं, अगर उनको व्यवहारिक उनको नॉलेज पूछे तो बहुत कम होता। तो मुझे लगता है कि ये जो परसेंटेज जो है वो एक अपने इसमें वेल ऑफ इग्नोरेंस है, वो है ना, उसको कम महत्व देना चाहिए। जी बिल्कुल। तकरीबन हमारे अतिथियों का कहना है कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन अभी मिल सकता है। दूसरी बात, अभिभावकों को भी समझना है कि वो अपने बच्चों का या फिर अन्य बच्चों का जो एक व्यावहारिक नॉलेज, जो अलग से व्यावहारिक नॉलेज पर भी जो है हो सकता है। तो इन्हीं चीजों पर हमारे अतिथियों का, तो चलिए हमारे साथ चंद्रमोहन भी जुड़े हैं, उनको भी जानेंगे हम। चंद्रमोहन सर, आपका स्वागत है हमारे पेज में पुनः आपका। आपके सिग्नल की थोड़ी सी दिक्कत है। तो हमारा विषय है आज का, जिस प्रकार से ये तो सबसे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका स्कूल बहुत टॉप रहता है किन्नौर के अंदर में। आपका कुछ ऐसे स्कूल है जो कोठी के स्कूल है, आपके होमते के स्कूल है, और आपका सारिंग है, ऐसे कई स्कूल सरकारी स्कूलों की गिनती में आता है। प्राइमरी, जब तक हम प्राइमरी से उठेंगे नहीं तो आगे भविष्य हमारा खतरा रहता है। सबसे पहले तो आप प्राइमरी जो सब्जेक्ट रहता है, प्राइमरी बच्चों को क्यों इतना महत्व देना चाहिए, प्राइमरी बेसिक, इस पर आप थोड़ा सा बताएं, बेसिक जरूरी क्यों है? सर, आप अभी जानते हैं कि अगर हमने एक अच्छा फलदार वृक्ष बनाना है तो उसकी जड़ें अच्छी होनी चाहिए। हम उसकी जड़ों में जितना खाद पानी डालेंगे, जितना अच्छे से उसकी सेवा करेंगे, तो वो वृक्ष जो है उतना फलता फूलता है। इसलिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण ये एक पड़ाव है बच्चों का। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पर बच्चा सब कुछ सीखता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जो बच्चा होता है, 7 साल का जो बच्चा होता है, 6 साल का बच्चा होता है, 8 साल का बच्चा होता है, हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रमोहन जी। थोड़ी सी सिग्नल की दिक्कत है तो हम यहाँ अन्य अतिथियों से भी जानेंगे, जैसे ही जुड़ते हैं तो हम रंजना मैडम जी आपसे, और हम रतन जी आपसे हम जानेंगे। रंजना मैडम जी, प्राइमरी बेसिक क्यों जरूरी है, बेसिक क्यों जरूरी है? बेसिक जैसे हमारा प्राइमरी से बच्चे जाता है तो यहाँ पर एक इसको मान्यता दी जाती है कि बेसिक बच्चों का बेहतर होना चाहिए, तो आखिर इस पर क्या अभिभावक ध्यान देता होगा, इस पर जरूर बताएं आप। बेसिक एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से बच्चे को बहुत दिक्कतें आती है आगे जाकर। क्योंकि हम तो देखते हैं 6वीं 7वीं में आकर कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जिनका बेसिक बहुत वीक होता है, जिस ना तो वो अच्छे से पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी तो है पढ़ाई के लिए, सबसे जरूरी है लिखना और पढ़ना, मतलब अक्षर ज्ञान। लिखना और पढ़ना अगर बच्चे को आ जाए तो बच्चा मतलब पीछे नहीं रहेगा, वो कभी भी जब भी उसमें ये लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा करना है तभी वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। जब बेसिक ही बच्चे का क्लियर नहीं है तो बच्चा चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़ी क्लासों में तो उसको सिलेबस भी कवर करना है और सिलेबस टीचर बहुत सारे बच्चों को साथ लेके चलना है टीचर को, तो
टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि वो उस बच्चे को बेसिक कराएं जिनके बेसिक्स इतने क्लियर नहीं है, जिनको लिखने में पढ़ने में भी दिक्कत है। तो सबसे अगर प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छा है, बेसिक बच्चे का अच्छा है, तो आगे जाके बच्चों को जनरली दिक्कत नहीं आती। तो इसीलिए बेसिक एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तभी हो सकता है अगर अभिभावक भी अपना अभिभावक भी स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करें और थोड़ा अभिभावक भी घर पे ध्यान दें। तो अगर सिर्फ बच्चों को स्कूल के भरोसे छोड़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिक का अभिभावकों के ऊपर भी जिम्मेदारी बनता है। रतन सर, बेसिक प्राइमरी तक जो हम लोग परसेंटेज की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर प्राइमरी तक जो है सिर्फ पास होना या फिर हमारा जो अभिभावकों का एक मन होता है कि जो है प्राइमरी तक हम उतना ध्यान नहीं देते। प्राइमरी के बाद जब हम मिडिल जाते हैं उसके बाद परसेंटेज की होड़ लगी रहती है, और जबकि जो है इससे पहले बेसिक बेहतर हो तो आपका परसेंटेज कहीं नहीं जाता। तो आप इस पर थोड़ी सी अपनी चर्चा और रखें। देखिए, जो आज हम लोग क्वालिटी एजुकेशन को ज्यादा महत्व नहीं देके हम क्वांटिटी एजुकेशन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। सारी जो लड़ाई इसका एक मेन रीजन है ना। तो इसीलिए हम जो परसेंटेज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, हालांकि परसेंटेज का अपना महत्व ऐसा नहीं कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस है, परंतु उसके अलावा उसको जस्टिफाई करना जरूरी है। अगर आपके कोई स्टूडेंट्स है, अगर 99% लेता है, 95% लेता है, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस परसेंटेज के काबिल हूँ। अगर वो जस्टिफाई नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज लगता है कि वो बच्चे जो परसेंटेज ले रहे हैं उसको कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बेसिक एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम कोई मकान बनाते, तो मकान में सबसे पहले जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव, उस मकान की नींव जो मजबूत नहीं होगी, आप उसके ऊपर बिल्डिंग से बिल्डिंग जो है आप जो है स्लैब लगा रहे हैं, तो कभी ना कभी जो है गिर जाएगा, उसका खतरा होगा, वो मकान जो है आपका बेहतर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारी जो बेसिक जो एजुकेशन है, स्कूल की एजुकेशन है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, वो हमारी फाउंडेशन है, उसी के आधार पर ही आगे जो स्टडी की जाती है, उसके बेसिस पर ही उसको एक्सटेंड किया गया है। तो हमारी जो बेसिक जो एजुकेशन है उस पे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, पेरेंट्स को भी, और खासकर जो टीचर है वो तो देते ही है, पेरेंट्स को भी ज्यादा उन पे जो है केयर करनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि बेसिक जो एजुकेशन है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आगे तो उसको आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आप। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र नेगी जी। मैन एजुकेशन प्राइमरी है, जितना बच्चों को बेसिक अच्छा होता है वो कभी लाइफ में धोखा नहीं खाएगा। बिल्कुल, राजेंद्र जी हमारे टीचर हैं प्राइमरी स्कूल के, JBT टीचर। इनका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे यहाँ इस पेज से जुड़े। तो और हम अन्य अतिथियों को बुलाने से पहले हम यही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और फॉलो करें। हमारे पेज का अगर आपको कोई एपिसोड अच्छा लगता है तो हमारे पेज को स्टार भी दे सकते हैं। हमारा आज का विषय है सोशल मीडिया में जिस प्रकार से परसेंटेज की होड़ लगी है, और 89-90% का जो तकरीबन बच्चे ले रहे हैं, उन बच्चों को हार्दिक बधाई, उनसे किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। लेकिन क्या इस जो इस प्रकार के प्रचार से उनके यार दोस्तों में, उनके समाज में, उनके घरों में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है जिस प्रकार से एक ताना टाइप का होता है? इसी को जानने के लिए, हालांकि सभी ने दिया कि एक मोटिवेशनल भी को भी देखना चाहिए, मोटिवेशनल की अगर ये मेरा दोस्त या मेरा जो पड़ोसी या इस प्रकार का एक नंबर लाता है, क्यों ना अगले साल में भी ऐसा करूं, ऐसी ही भावना है सबके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर एक और एक प्रतिक्रिया आई है अजय अजय कुमार का। आदरणीय शिक्षक साथियों, शुभ संध्या। जिस तरह से आज का यह एक चिंतनीय विषय है कि दिन प्रतिदिन हमारे विद्यार्थियों का अधिगम स्तर नीचे की ओर जा रहा है, इसका मुख्य कारण हमारे परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें मिडिल स्टैंडर्ड तक विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में प्रमोट करना है। तो इस पर मैं, रंजना मैडम जी, एक प्रतिक्रिया आई है इसको, इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया देंगे। हमारे अजय कुमार जी ने रखा है, आदरणीय शिक्षक साथियों शुभ संध्या। आप थोड़ा सा इन पर
पढ़कर आप बताना चाहेंगे कि क्या मिडिल स्टैंडर्ड तक विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं को प्रमोट करना कुछ ऐसा है, तो आप इस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया रखें। रंजना मैडम जी, ये सर का कहना बिल्कुल सही है। ये भी एक कारण है मूल्यांकन प्रक्रिया का इस तरह से होना भी है, क्योंकि 8th तक बच्चा फेल नहीं होता है, तो इससे पेरेंट्स को भी बच्चे का रियलिटी क्या है, मतलब हमारा बच्चा कहाँ है, पेरेंट्स को भी अच्छे से पता नहीं होता है। पेरेंट्स सोचता है कि बच्चा अगर पास होते जा रहा है तो हमारा बच्चा अच्छा ही है, मतलब कहाँ बच्चे की कमजोरी है वो पता नहीं चलता है। तो इस वजह से भी बच्चे कहीं ना कहीं, मतलब बच्चों की जो कमजोरी है वो छोटी क्लास में हाईलाइट नहीं होती है, वो आगे जाके प्रॉब्लम करती है, जैसे 9th में, क्योंकि 9th तक तो बच्चा पास होते जा रहा है। पहले के टाइम में था, बच्चा अगर वीक है, कमजोर है, तो बच्चा उसी क्लास में रह जाता था। अब ये ऐसे प्रणाली नहीं है, ऐसे वो नहीं है, जिस वजह से बच्चा चाहे कमजोर कितना भी क्यों ना हो, वो आगे प्रमोट होता जाता है, 9th तक ऐसे पहुंचता है। और आगे जाके दिक्कत आती है, एक तो बेसिक भी करनी है, उसके बाद उसका सिलेबस ज्यादा है, तो मतलब मानसिक दबाव बच्चे पे ज्यादा होता है, इसलिए वो बच्चा कर नहीं पाता है। तो ये एक कारण ये भी है। जी मैडम जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। लगभग जो है फिर भी माता पिता खुश नहीं रहते, चाहे 90% रहा हो, 80% रहा हो, या 70% रहा हो, फिर भी कितने परसेंटेज बच्चों का आने तक उनको संतुष्टि रहना चाहिए आपका, 50 से ऊपर, या कितना परसेंटेज को माने कि माँ बाप जो है संतुष्ट रहे कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट बच्चा है और ये पढ़ता है। ये तो सभी पेरेंट्स पे डिफर करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना एक्सपेक्ट करते हैं। पर मेरे हिसाब से तो अगर बच्चा जैसे 70-80 अबव कर रहा है तो बच्चा अच्छा है। मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए पेरेंट्स को। बस ये जरूर है कि बच्चे को हमेशा, मतलब इस तरह से बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि हमारा बच्चा एक क्या है, मतलब यूनिक है, सभी से अलग है। हमारा बच्चा उसकी तरह नहीं बन सकता है, किसी दूसरे बच्चे की तरह। तो हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को किसी दूसरे पड़ोस के बच्चों से या किसी अच्छे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये तो एक वो है, जरूरी है। और दूसरी बात, मैं ये पेरेंट्स के लिए एक इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि पेरेंट्स जब किसी मीटिंग में आते हैं स्कूल में, तो पेरेंट्स का एक सीधा सा एक वो होता है, जवाब होता है कि हमें तो खुद नहीं आता है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, या हम पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मतलब जो भी है वो स्कूल के भरोसे हैं या वो ट्यूशन भेज देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है या जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं उनके बच्चे पीछे हैं, बल्कि उनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। बस सिर्फ ये है कि पेरेंट्स को चाहे वो पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, बस बच्चे पे नजर रखना है, ध्यान रखना है, बच्चे कहाँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो जानना है। ये अगर इतना भी काम करें पेरेंट्स, अपने बच्चे से पूछें कि क्या वो है, या स्कूल आके बच्चों की कभी खबर लें कि बच्चा कितना कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो भी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पेरेंट्स अगर अपने आप को बचाने के लिए, अगर पेरेंट्स की तरफ से यही सवाल रहे हर बार हर मीटिंग में कि हम तो खुद पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चा पढ़ता तो है, क्या कर रहा है हमें नहीं पता, तो अगर इस तरह से बचते रहेंगे तो इसका फायदा बच्चे जरूर उठाएंगे, और लॉस बाद में जब एंड में पता चलेगा कि लॉस तो बहुत बड़ा हो गया, अब वो कवर नहीं हो सकता है। तो पेरेंट्स कम से कम अपने बच्चों को, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए टाइम जरूर निकालें, देखें कि बच्चा कहाँ कैसे कर रहा है, और स्कूल जाएं, पूछें टीचरों से। स्कूल नहीं जा पाते हैं तो फोन करें, अपने बच्चों के बारे में जरूर खबर रखें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, और बच्चों पे अगर बच्चों को सही रास्ता ना दिखा पा रहे हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। बहुत बेहतरीन। आपने, वैसे तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी जिम्मेदारियां बनती है अभिभावक, जब भी मीटिंग में जाते हैं यही कहते हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं है, तो इस पर भी बहुत सारे तर्क मिले हैं, तो आपको समझना भी है। चलिए, तो चंद्रमोहन जी मिले, इनसे हम जानेंगे। चंद्रमोहन सर, बेसिक के बारे में हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हाँ बेसिक पढ़ाते हो,
तो बेसिक में आपको शिक्षा के साथ साथ मानसिक विकास के लिए और क्या क्या, और जैसे खेल कूद, प्राणायाम, डांस या इन चीजों का जो प्राइमरी लेवल में क्या क्या एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आप करवाते हो और करवाना भी चाहिए सभी को, स्वागत है। सर, पहले तो मैं ये जो आपने हमारा जो नेटवर्क कट गया था, जो क्वेश्चन छूटा था, पहले मैं एक बार थोड़ा सा उसको बता देता हूँ कि जी जी आपने पूछा था कि प्राइमरी एजुकेशन क्यों जरूरी है। जी तो सर, आप जानते हैं कि जो पौधा होता है, जब वो वृक्ष बनता है, वो तभी अच्छा फल देता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो और जड़ें स्वस्थ हो। जितनी ज्यादा जड़ें स्वस्थ होगी, जितनी अच्छी उसमें खाद और पानी उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा वो वृक्ष फलता फूलता है और बड़ा बनता है। एक 6 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा, 8 वर्ष का बच्चा, आप ऐसा सोचिए कि वह बच्चा एक खाली पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड है, बिल्कुल खाली है। जो उसके अंदर आप डालोगे, वही चीज उसके अंदर चला जाएगा। अपने घर से, अपने समाज से, अपने स्कूल से, टीचर से लेकर समाज तक, और उनके दोस्तों के बीच में जो भी व्यवहार होता है, जो भी चीजें अपनाई जाती है, ये वो सारा उसके दिमाग में फीड हो जाता है। तो उसका दिमाग आपने कैसा बनाना है, किस दिशा में भेजना है, कौन सा रास्ता उसको तैयार करना है, ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं। जहां तक रही बात कि आप जानते हैं कि आजकल एक्टिविटीज के लिए, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, म्यूजिक हुआ या आर्ट हुआ, इसके साथ साथ अगर हम बच्चों के दिमाग को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लेते हैं, तो वो और ज्यादा बेहतर हमारे लिए साबित हो सकता है। वजह क्या है कि आज का जो समय है, बड़ा ही शोर शराबा वाला है। बच्चे, अधिकतर बच्चे डिजिटल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं सर कि भाई मोबाइल जो है, जो तो सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये एक मनोरंजन का साधन है। कोई इसमें पोस्ट डालता है, इसमें मनोरंजन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बाकी, है ना। तो वो चीज जो है, उसमें कई चीजें, 99% 99.9% जो चीजें हैं, तथ्य है, वो झूठ है। और बच्चों के दिमाग में वो सारा शोर शराबा और गलत चीजें, अश्लील चीजें जो है बच्चों के दिमाग में वो आ रही है। उन चीजों से दूर रखकर बच्चों को योगा, प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन करवाना बहुत जरूरी है। एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है अपने बौद्धिक विकास के लिए सिर्फ खेले कूदे संगीत है, उनको अच्छी किताबें पढ़ने का जो है बच्चों को हमें मौका अवसर देना चाहिए। पहले हम बचपन में, हमें जो है ना किताबें बड़ी मुश्किल से मिलती थी, छोटी छोटी कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, चुन्नी की मुन्नी हुआ, या फिर वो नन्हे सम्राट हुआ, या कई इस तरह के जो कॉमिक्स बुक, नागराज हुआ, इस तरह के कई बुक्स होते थे। तो उससे क्या है कि पढ़ने की जो है आदतें विकसित होती है। कहानियां माँ बाप, अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को सुनाते हैं, तो उससे उनका दिमाग जो है ना, कहानी सुनते सुनते कहानी पढ़ने की भी आदत हो जाती है। आप बच्चों को डिजिटल कहानियों से, डिजिटल चीजों से थोड़ा दूर रखें, लेकिन जो आपके पास सामने बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, उनका एक संग्रह बनाइए। बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें दीजिए, छोटे बच्चों को कहानी कविताओं के बुक से, है ना, और थोड़े बड़े होते हैं तो उपन्यास वगैरह या और चीजें बच्चे पढ़ सकते हैं। पढ़ने की आदत विकसित कीजिए। परसेंटेज एक अलग चीज है, परसेंटेज जरूरी नहीं है, कि ये डिपेंड करता है कि मूल्यांकन करने वाला क्या सोच रहा है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा ने किया है वो 100% सही है। 100% कोई भी इंसान नहीं होता। आज तक 100% सही तो प्रोफेसर रामानुज और अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन, ये सारे भी नहीं हुए हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जो ये हमारे प्रोफेसर रामानुज है, सिर्फ मैथ में 100 बटे 100, 100 में से 100 नंबर लेते थे। मैथ में संभव है 100 में से 100 नंबर लिया जा सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में सब में फेल होते थे। तो वो जो है, वो एक फेलियर इंसान नहीं रहे, वो विश्व के विख्यात गणितज्ञ रहे, है ना। एल्वा एडिसन की यही कहानी रही है, कि एल्वा एडिसन की भी
उनको भी तो स्कूल से निकाल दिया गया था, फिर भी उन्होंने दुनिया को रोशनी दी, है ना। तो ये चीजें, परसेंटेज डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता परसेंटेज। हाँ, पढ़ना लिखना बच्चों को अच्छा आना चाहिए, लेकिन बच्चा, आपका बच्चा और हमारा बच्चा किस दिशा में बढ़ रहा है वो जरूरी है। बच्चों को के मानसिक विकास के लिए पढ़ना जरूरी है, लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना जरूरी है, समाचार पत्रों का इस्तेमाल करना, छोटी मोटी चीजों का, जितना उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी होता है इसका, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर। और किसी भी पेरेंट्स को, किसी पेरेंट्स को, माँ बाप को किसी चीज को देखकर भाई इस बच्चे का ये है, अपने बच्चे को कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। देखो, मैं महात्मा गांधी के जैसा हो सकता है शक्ल से दिखता हूंगा या किसी और की तरह दिखता हूंगा, लेकिन मैं महात्मा गांधी नहीं बन सकता। अपने बच्चे को ये संस्कार देना है, ये शिक्षा देना है, तू अपनी तरह बन, आप अपनी तरह बनिए, अपनी तरह सक्सेस हो जाइए, और जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़ है उसको, उस पर जो है डट कर मेहनत करवाए उससे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पर अभिभावकों के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए कहा। और जैसे कि आपने यहाँ पर जो प्राइमरी को लेकर कहा कि इसमें योगा, मेडिटेशन और साथ में बच्चों में पढ़ने की आदत डालें, और उपन्यास और आपने कॉमिक्स आदि का भी बताया जो कि लुप्त हो चुका है, गुम हो चुका है, ऐसे कई चीज है, और आपने डिजिटल से दूर करने के लिए कई अलग प्रकार के तकनीकों पर बताया। इस पर सभी अभिभावकों को समझ होना चाहिए, आपके बच्चों को भविष्य को अगर टॉप तक लाना है तो। मैडम रंजना जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे अतिथि महोदय ने कहा कि एलवा एडमिन जो मैथ के थे उनका नाम लिया गया है, तो तकरीबन उन्होंने कहा कि 100% जो अब हम सब्जेक्ट पर जाते हैं, 100% जो है मैथ में आ सकता है। लेकिन आजकल अगर हम देख रहे हैं, तकरीबन क्या एक जो शिक्षा विभाग क्या बारीकियों को नहीं देख रहा होगा, इस पर भी थोड़ा समझना है। जैसे आपका स्त्रीलिंग होगा, पुलिंग होगा, फुल स्टॉप होगा, कॉमा होगा, लेकिन परसेंटेज 600 600 700 700 आना, ये क्या मतलब, एक लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एक कोचिंग सेंटरों को या फिर प्राइवेट स्कूलों को एक टॉप लाने का एक जरिया बनाया जा रहा है, और क्या इन बारीकी को देख रहे होंगे, पूर्ण विराम होंगे, कॉमा होंगे, इन चीजों पर, और जबकि कुछ एक आध सब्जेक्ट है जिसमें 100% ला सकते हैं, बाकियों में इतना टफ रहता है, आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, तो क्या हम माने कि आज का जो है दौड़ कहीं ना कहीं जो है शिक्षा नीति पर भी सवाल उठा है, कहीं ना कहीं बारीकियां नहीं देख रहे? मैडम रंजना जी, इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, ऐसे तो नहीं होगा कि बारीकियां नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल कई तरह के ऐसे कई इवेल्युएशन के भी, मतलब ऐसे नहीं कि सिंगल, मतलब एक इवेल्युएशन हो गया तो वो फाइनल है, तो मतलब इवेल्युएशन भी आजकल बहुत सतर्कता के साथ होता है, ऐसे तो नहीं होगा। कंपटीशन का दौर है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैक्सिमम अभी जो सीबीएसई जो रिजल्ट निकला है, जो 100 में से 100 नंबर गणित में बहुत सारे बच्चों के, मैथ में बहुत सारे बच्चों के आए हैं 100 में से 100 नंबर, तो ऐसे तो नहीं है, मूल्यांकन तो बहुत अच्छे से हो रहा होगा, बच्चे मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, जैसे कई तरह के सोर्सेज भी हैं जहाँ पे डिजिटलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट है तो वहाँ नेगेटिव इफेक्ट भी है, तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं है कि उसको अच्छी तरह से भी, अच्छे वे में भी उसका यूज कर रहे हैं, जिससे उनके पास, बच्चों के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। पहले तो बच्चों के पास सिर्फ एक क्लासरूम या टीचर वो था, तो आजकल अगर एक टीचर से एक कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन जाके, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं, बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स हैं, उनसे आप अपने कंसेप्ट को और बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे बच्चे अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा कि मूल्यांकन में थोड़ी ढील है या जिस वजह से 100% मार्क्स आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा, लेकिन अब स्कूल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस पर बहुत बवाल हुआ था मेरे एक लेख पर, लेकिन आपको एक हिस्ट्री सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले कि जिस स्कूल या जो भी स्कूल है, मानते हैं कि स्कूल, स्कूल में नर्सरी से हमने बच्चों को ढाला है,
मैडम रंजना जी और हमारे लक्ष्मण जी को समझना है, नर्सरी से हमने बच्चों को डाला, 8th तक हम उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 8th तक वो स्कूल जो है बच्चों को अच्छे मार्क्स देता है और घर में ट्रॉफी देता है और 80-90% आ जाता है और अव्वल आता है, और हम माँ बाप समझते हैं कि बहुत हमारे बच्चे आ रहे हैं। और 9th में वो बच्चे 8th में वो बच्चे कंपार्टमेंट हो जाते हैं उस स्कूल में, तो उस वो स्कूल बाद में वहां से उन बच्चों को निकाल देता है। उसी स्कूल के बच्चे कंपार्टमेंट आते हैं और उनको फिर एडमिशन नहीं देते। फिर हमने कहने का मतलब है कि क्या आपके जब बोर्ड एग्जाम तक से पहले आपने आपने तो बच्चे आपके पास टॉप थे, आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे कंपार्टमेंट आए, वो भी अलग बात है, लेकिन आप अपने स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे और आप ही के बच्चे, ऐसा क्यों आज तक क्यों गुमराह रखा गया उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को? आपने नर्सरी से लेकर 70-70, 80-80% देते रहे हमारे बच्चों को, और जब आपके बोर्ड के पेपर में आपके तकरीबन आपके 30 बच्चे में से 2-3 बच्चे पास हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं, इसमें गलती किसकी है? थोड़ी सी आपकी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आखिर क्यों जो है एक निर्णय एक निष्पक्ष तरीके से जो है एक नंबर नहीं देकर आखिर क्यों अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं और उसका खामियाजा हमारे को बोर्ड में भुगतना पड़ता है? आपका पुनः स्वागत। इस पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगी, पर मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूर चाहूंगी। इसमें सिर्फ स्कूल प्रशासन की तरफ से गलती भी नहीं है, हाँ एक अभिभावक भी मतलब ये चाहता है कि जब शुरू से उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसके अच्छे ही मार्क्स आने चाहिए, तो अभिभावक की तरफ से भी कहीं ना कहीं अभिभावक ने भी मतलब इतना अच्छे से अपने बच्चे पे नजर नहीं रखा है, और वो भी अंधेरे में रहा है अभिभावक भी कि बच्चे का एक्चुअल में बच्चे का मतलब किस तरह से वो होना चाहिए। क्या हमारा बच्चा इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है तो क्या सच में हमारा बच्चा इतना अच्छा है? वो अभिभावक भी धोखे में रहे हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल ऐसे करते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्कूल के नाम को चमकाने के लिए वो ऐसे कर रहे हैं, पर इस तरह का मामला सरकारी स्कूल में इस तरह का मामला नहीं आता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में एक तो सरकारी स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में सारे बच्चे, बल्कि सरकारी स्कूल तो उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करता है जो बच्चा पीछे रह रहा है, मतलब सरकारी स्कूल के टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं और वो सोचते हैं कि कोई बच्चा पीछे ना रहे, सब साथ चले, तो इस वजह से बहुत ज्यादा फोकस करते हैं उन बच्चों पे जो पीछे रह रहे हैं। तो इस वजह से भी सरकारी स्कूल में जनरली क्या होता है, बहुत अच्छा ना भी करें तो सरकारी स्कूल धोखे में तो ऐसे नहीं रखते हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे रख रहे हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सारे सभी का इस तरह से ही हो, कुछ बहुत अच्छे भी हैं प्राइवेट स्कूल। तो बाकी रही बात, सभी का अपना अपना सभी की अपनी सोच है, कहीं किस तरह से उसको लेते हैं, तो वैसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। जी, बहुत खूब आपने कहा कि सरकारी मैं बताना चाहता हूँ कि कोशिश तो हमें यही करना चाहिए आजकल के दौर में। हमें अगर आपके घर के नजदीक आपके सरकारी स्कूल है तो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन होता है, और वहाँ पर सभी एक समान होते हैं, और खासकर जो वीक बच्चों को ध्यान दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल की मैंने बात इसलिए जिक्र की क्योंकि ये हादसा हुआ था, और तकरीबन ये वहाँ जो बच्चे थे उनके जो पढ़ते थे वो नर्सरी से पढ़ते थे, और बोर्ड पेपर आते तक भी वही बच्चे थे, 30-35 स्कूल के बच्चे थे, और उसमें से मात्र 5-6 बच्चे पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, बाकी बच्चे फेल हो जाते। तो गलती किसकी रही? आज तक वो जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जो 20-30 बच्चे, वो अव्वल आते थे, अच्छे थे हर चीज में, अचानक ही बोर्ड पेपर में उनके सारे जो है पाने फिर जाता। तो ये कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने वाली बात है। हमारे को हर मीटिंग में जाना चाहिए, प्राइवेट स्कूल हो चाहे फिर सरकारी स्कूल हो, वहां पर काउंसलिंग करना चाहिए टीचरों के साथ, अपने जो है माँ बाप अपने बच्चों के साथ, और घर में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, प्राइवेट स्कूल की भी नहीं है। हम आते हैं
बड़े जो साल का पारितोषिक होता है, जो साल का एक आयोजन होता है, वहां जाते हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रॉफी दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, इसी में हम खुश रहते हैं और हम समझते हैं कि हमारा बच्चा अव्वल है और टॉप आया। ये तो बोर्ड के एग्जाम और अन्य जो टेस्ट होते हैं उसी पर ही दिखने को मिलता है। रतन सर से जानेंगे, रतन सर आपको हमारी आवाज आ रही है तो अपना कैमरा ऑन करें। तो बच्चों को हम आम तकरीबन यही है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसी पर हमारा एक यहाँ का निर्णय मिला। फिर भी वर्तमान में डिजिटल जो शिक्षा का अभाव में अभिभावक कम जो है नजरअंदाज है, इस पर थोड़ा सा और भी आप विस्तार से अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए, क्योंकि आपने तो बहुत करीबी से शिक्षा को जाना है और बहुत करीबी से आपने जो प्राइमरी लेवल हो गया, आपका मिडिल लेवल हो गया, आपका हाई लेवल हो गया, आपने हर परिस्थितियों को जाना, तो आप अपना थोड़ा जमीनी हकीकत से लेकर रूबरू जरूर कराए ताकि बच्चों में एक मिसाल कामयाब हो कि किस प्रकार का परसेंटेज की दौड़ ना लगाकर क्या हमें करना है, कैसे हमने तैयारी करना है। खासकर हम लोग जो है एक +2 में पेपर आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं और माँ बाप जो है जो बोलते हैं प्रेशर लगाते हैं कि ये करना है वो करना है, आखिर +2 के बाद किन योजनाओं में जाना चाहिए, कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। स्वागत है आपका पुनः। जहाँ तक एजुकेशन की बात हो रही है तो हर जो स्टूडेंट्स हैं उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। और मैडम और दूसरे हमारे साथ सर जुड़े हैं, उनकी बातें बहुत यानी कि एक अच्छी बातें लगी मुझे, क्योंकि वो जो है प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल के एजुकेशन से जुड़े हैं और खासकर जहाँ पर कॉलेज की जो एजुकेशन है वो थोड़ा सा स्कूल के एजुकेशन से थोड़ा सा अलग सा रहता है। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और लेक्चर बेस्ड पे होती है और फीडबैक जितने स्कूल पर हम ले पाते उतना हम शायद कॉलेज या हायर एजुकेशन के अंदर जो है पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। और आज के समय में जहाँ तक एजुकेशन में रिसोर्सेज की बात बात करें, नॉलेज के रिसोर्स की बात करें, तो जैसे इंटरनेट का ज़माना है, हमारे पास अंधाधुंध रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। हम एक मोबाइल में सब कुछ, चाहे वो कोई भी किताब हो उसको सर्च करके हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारा सोर्सेज है हमारे पास। और हम वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे चूज करें और कैसे जो है हम उसको जो है उसका उपयोग करें। और जहाँ तक सब्जेक्ट के ऑप्ट के बारे में आपने कहा कि +2 के बाद या जो हायर एजुकेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किस तरह से करना है, तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है के आधार पर ही सब्जेक्ट ऑप्ट करें। आजकल देखा जाता है कि जो बच्चा 10th में मान लीजिए 70 या 80% कोई स्टूडेंट मार्क्स लेता है तो उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप साइंस सब्जेक्ट लीजिए, मेडिकल लीजिए, नॉन मेडिकल लीजिए या कोई और कॉमर्स लीजिए, पर ये नहीं देखते कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस पे है। फिर वो पेरेंट्स के कहने पर, पेरेंट्स के प्रेशर पे साइंस लेता है या दूसरे सब्जेक्ट लेता है तो वो इतना अच्छा बेहतर नहीं करता है जितना जो एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स की रहती है, तो बाद में उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। और मैं यही कहूँगा जितने भी अभिभावक इसके साथ जुड़े हैं, आप अपने बच्चों को ओपन रखिए, उनसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिन विषयों पर इंटरेस्ट है उनको उनको चूज करने दीजिए, ऑप्ट करने दीजिए। आज के समय में हर क्षेत्र में स्कोप है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जहाँ पर बच्चों को स्कोप ना हो, पर डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह से बेहतर करते हैं। कार्य करता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए उनको छूट देना चाहिए। और जहाँ तक कॉलेज की एजुकेशन के बारे में बात करें तो कॉलेज में थोड़ा सा स्कूल से हटकर रहता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बाउंड नहीं होते हैं कि 10 से आपको बच्चों को 4 बजे तक रहे और
और जिस तरह से स्कूल में रहता है, और अलग अलग टीचर्स हैं, और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी है ना, और फीडबैक जो है इतना नहीं ले पाते जितना स्कूल के अंदर है। तो जो बेसिक जो एजुकेशन की जो बात कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारी एजुकेशन के अंदर। जो हमारा बेसिक जो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती हायर एजुकेशन के अंदर। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे बेसिक एजुकेशन के बारे में बात हो, वो हमारा जो प्राइमरी जो एजुकेशन है, स्कूल का एजुकेशन है, वो बेहतर होना चाहिए, व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। आज के समय में पेरेंट्स या टीचर ज्यादातर फोकस कर रहे हैं कि आप 90% के लिए करिए, है ना, आपको मार्क्स ज्यादा लेना है, उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और उसको एनालिटिकली या व्यवहारिक नॉलेज उसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां लेकऑफ कर रहा है, और दूसरी तरफ जो 60% की जो बच्चा ले रहा है, तो वो जो है उसको क्लियर कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो 70, 80, 90% के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे हम कोई सवाल पूछते तो शायद वो अच्छा नहीं कर पाते या ना बोल पाते हैं। और दूसरी तरफ 60% जो स्टूडेंट है वो उनसे फार बेटर है, बहुत अच्छा बोलता है, लिखता है, उसके पास उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। जिस तरह से स्कूल में अ से अनार है, वही बच्चों को पता है उसको, क्योंकि पढ़ाया गया है। अ से अमरूद बोलेंगे तो बच्चा बोलेगा नहीं अमरूद नहीं है। तो वो जो है कहीं ना कहीं हम लेग ऑफ कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों को जो जो एनालिटिकल जो जो हम होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है हम लोग लेग ऑफ कर रहे हैं। हम लोग तो बच्चों को मशीन की तरह उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो फलाना जो बच्चा है उसने नीट क्लियर किया है ना, IIT में गया, एम्स में गया, या कुछ और किया, आप भी कर दीजिए, है ना। हालांकि उसका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, उसका इंटरेस्ट कभी बनना है कोई लेखक बनना है, कोई टीचर बनना है, या सिविल सर्वेंट बनना है ना। पेरेंट्स उसको ज्यादा दूसरी तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को देखने की इस तरह समझने की आवश्यकता है। अगर हम इन चीजों को क्लियर करें, इन चीजों पर फोकस करें, तो बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बेहतरीन हमारे पेज के लिए कहा, किन्नौर के लिए, किन्नौर के जनता के लिए, किन्नौर के अभिभावकों के लिए। रंजना मैडम जी, आपसे एक थोड़ी सी एक और एक है। बच्चों में वर्तमान में बच्चों में हमने देखा किताबी कीड़ों की तरह है, GK की बहुत कमियां रहती है। कईयों को तो हिमाचल के मुख्यमंत्री का पता नहीं रहता, और कईयों के आपके इस प्रकार का है। तो क्या कहीं ना कहीं जो है फोकस जो है GK का जो है स्कूलों में कमियां रह रही है, क्योंकि GK आज के टाइम में हर फील्ड में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके स्कूल में नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने तकरीबन रिसर्च किया है, किताबी कीड़े हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, GK बहुत वीक है। तो इस पर क्या जो है कोई भी चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, इस पर ध्यान नहीं दे रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि बच्चों का जो जनरल अवेयरनेस या जो करंट जो चल रहा है उसपे बहुत कम ज्ञान होता है। तो GK में बच्चे पीछे रहने का कारण एक तो ये भी है कि घर में आजकल ज्यादातर क्या है कि घर में इस तरह के, पहले हमारे पास ज्यादा इंटरटेनमेंट के सोर्स होते नहीं थे, रेडियो से रेडियो सुनते थे, घरों में रेडियो होता था। तो जैसे रेडियो में 8:45 बजे समाचार आता था, 8 बजे प्रादेशिक समाचार आता था, तो पेरेंट्स सुनते थे, पेरेंट्स भी सुनते थे, पेरेंट्स के पास भी टीवी नहीं था, रेडियो सुनते थे, तो न्यूज बच्चे के कान में ना चाहे तो भी कान में चला जाता था। तो इस तरह से पता चल ही जाता था कि क्या चल रहा है देश में। तो इस तरह से धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता था क्योंकि पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी सुन रहे हैं, तो इस तरह से इंटरेस्ट बनता था। आजकल घरों में भी जैसे चाहे पेरेंट्स क्या, हम भी हमारे टीवी में भी ऐसे इंटरटेनमेंट के चैनल चलते रहते हैं, न्यूज में भी ऐसे बहसा चलता रहता है, तो इस तरह से भी बच्चे पीछे रह रहे हैं। अगर हम एक टाइम शेड्यूल बनाएं या एक पर्टिकुलर देखें कि कौन से टाइम में DD1 पे किस तरह से, कौन से टाइम में ऐसे न्यूज आ रहा है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करे, अगर हम बच्चों के साथ बैठ के अगर ऐसे रूटीन बनाएं कि बच्चों के साथ बैठ के वो देखना ही है, उस टाइम में बच्चों के साथ बैठना है और टीवी में वो चलना चाहिए,
तो अगर ऐसे हो तो बच्चों के कान में भी कुछ ना कुछ जाता रहेगा और बच्चे भी अपडेट होते रहेंगे। तो स्कूल में भी ऐसे, स्कूल की तरफ से भी शायद कमी रह जाती होगी कि ऐसे स्कूल में भी ऐसे एक्टिविटीज कम है जो स्पेशली जीके को फोकस करें, तो जी इस वजह से भी बच्चों का जीके पीछे रह रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तकरीबन हमारे भी घर में ऐसी है, टीवी चला रहेगा दिन भर, उसमें एंटरटेनमेंट जो है उन्होंने जी टीवी या फिर कुछ ऐसे ही चैनल लगाए होते हैं, अगर न्यूज के रखाए होते, और आते जाते बच्चों में खबर तो रहती है कि आज पीएम जी का भाषण है, तो कई बार ये पता लगता है कि पीएम ये हमारे, तो ये हमारे जो माताएं खासकर जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी है, जो नेटवर्क जो जो हमारे जी टीवी या स्टार प्लस के प्रोग्रामों से जुड़ी है, 24 आवर जो है आपके कमरे में जो है वो हटते नहीं है, न्यूज चैनल तो लगते नहीं है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, खासकर मैं अपने घर के जितने भी परिवार है सदस्य उनसे भी निवेदन करता हूँ, आप जो है बच्चों में न्यूज चैनल समाचार चैनल दिखाने का प्रयास करें, जिससे आपको देश विदेश और आपके आसपास के, आपको पता ही नहीं होता है कि कल आपके शिमला में बस गिर रही है, आपके रामपुर में ये हादसा हो रहा है, ये तभी पता चलेगा। और वर्तमान में मैडम जी एक चीज और, वर्तमान में बच्चों में एक और चीज देखने को मिल रहा है, सामाजिक रुचियां बहुत कम हो गई है, सामाजिक रुचियां खासकर इंटरटेनमेंट में ज्यादा हो गया है, जैसे आपका गीत संगीत मनोरंजन आदि, तो इसका इस पर भी आप सामाजिक रुचियां होती है, जैसे किसी का हेल्प करना, किसी या फिर किसी चीजों को समझना, इस पर भी आप थोड़ा सा थोड़ा अपना प्रकाश डालें। सामाजिक गतिविधियों में बच्चों की, मेरे हिसाब से तो सामाजिक गतिविधियों में रुचि का कम होने का कारण शायद ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को, मतलब बच्चों को सामाजिक कार्यों में बहुत कम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हम बच्चों को बिल्कुल, बच्चों को हम बिल्कुल बोलते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़े, मतलब कुछ ना करें सिर्फ पढ़े। सामाजिक कार्यों में रुचि तभी होगा जब बच्चे देखेंगे कि मतलब किस तरह से हमें किसी दूसरे के परेशानी में कैसे हेल्प करना चाहिए, या कौन कौन से ऐसी गतिविधियां हैं जहां पे हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो इनमें ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ही कमी है कि हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व कम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, हमारे बच्चों का पढ़ाई का लॉस ना हो, तो इस वजह से भी सामाजिक गतिविधियों में रुचि शायद कम हो गया है। जी बहुत बहुत बेहतरीन विषय, हमारे साथ आदरणीय हमारे चंद्रमोहन जी की दिक्कत रही और हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं पढ़ते हैं। अजय कुमार जी जो है, अजय कुमार जी ने अपना जगह बताया नहीं, किस जगह से अपना वो जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी शायद अजय कुमार जी भी एक शिक्षक हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा प्रणाली में अभी भी बहुत सा खामियां हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा केवल डिग्री डिप्लोमा के लिए दिया जाता है, शिक्षा हमेशा वोकेशनल एवं गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, इस प्रकार का इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। और भी यहाँ पर राजेंद्र जी का है कि पेरेंट तो यही चाहते कि बच्चा मेरा डॉक्टर और इंजीनियर बने, ये परसेंटेज पर बात करी थी कि अगर परसेंटेज आता है तो हम ज्यादातर मेडिकल और अन्य चीजों, मेडिकल और जो आप नॉन मेडिकल की ओर फोकस करते हैं, तो खासकर बच्चों को रुचि को नहीं जानते, इस पर भी है। और दूसरी बात, और एक इन्होंने कहा कि अजय कुमार है, और भी सभी अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के एक सही, जैसे नवीं कक्षा से समय पर गाइडेंस एवं काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, और बच्चों की रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव करना चाहिए ताकि भविष्य में एक अच्छा परिणाम निकल सके। अजय कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर एक अजय कुमार ने कहा कि साथियों, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा हर जगह टॉप करे, और जब बच्चा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है तो निराशा हाथ लगता है, और पेरेंट्स यही नहीं देखता कि बच्चे को फेलियर का क्या कारण है, जब हर अभिभावक अगर किसी फेलियर के कारण को जान जाए तो उसे उसे रिमूव करने की कोशिश एवं प्रयत्न करेंगे, हर बच्चा अपना 100% देगा, और आज के युग प्रतियोगिताओं का है ना कि निराशा का, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा समय। बहुत बहुत इन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। और एक है, आदरणीय शिक्षक साथियों शुभ संध्या, जिस तरह से आज का यह एक चिंतनीय विषय कि दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों को
स्तर जो है नीचे की ओर जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें मिडिल स्टैंडर्ड तक विद्यार्थियों को आगे की कक्षा को प्रमोट करना है। तो मैडम जी, अन्य जाते जाते आप जो है हमारे जो अभिभावकों के लिए मैं एक एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पेज से जुड़ते हैं किसी भी स्कूल में। मैंने एक ऑब्जर्व किया है, प्राइमरी स्कूल हो या आपका प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, हर जो सभी अभिभावक जो है अपने तन मन से 100% देने की कोशिश करता है। ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल काम नहीं करता, ये नहीं कि सरकारी स्कूल काम नहीं करता है। जिसकी जो जिम्मेदारी होती है, चाहे वो ड्राइंग टीचर होगा, चाहे वो पीटी टीचर होगा, चाहे वो अन्य साइंस टीचर होगा, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है बखूबी से निभाते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली तरीके से इस पर रिसर्च करके देख के आते हैं। लेकिन जो कमियां रहती है मैक्सिमम अपने बच्चों को, वो है अभिभावकों की रहती है, खासकर माताओं पिताओं की रहती है। और जीके की बारे में कहा, जैसे कि जीके हमारा कमजोर रहता है, आप अपने बच्चे को जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। खासकर आप घर में जब टीवी लगाएं तो मनोरंजन टीवी को खत्म करके न्यूज की ओर ज्यादा वो करें। खुद की मेरे मैं अपने घर में तो मैं बोल के परेशान हो जाता हूँ कि महिलाओं को जो इंटरटेनमेंट देखने से फुर्सती नहीं होता है। अगर जैसे कि मैडम ने कहा, आपने अभिमन्यु का कहानी तो सुना होगा, जब वो अपने जो धर्म पत्नी को जो चक्रव्यूह का एक संरचना के लिए जो है कहानी सुना रहे, तो पेट में ही उसने जो है चक्रव्यूह की रचना सुनी थी। अगर आपके जो कमरे के अंदर में समाचार का जो है गूंज गूंजता रहेगा, तो बच्चों में एक रुचि प्रकार की होगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन ओलंपिक्स में जीत रहा है, कौन क्रिकेट में आ रहा है, कौन आपका म्यूजिक में अवार्ड ले रहा है, ऐसे कई, कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कौन शिक्षा मंत्री बन रहा है, तो ऐसे जीके अच्छा बन सकता है। तो ये हमारे को खुद को बदलना है, हमारी महिलाओं को, माताओं को। ये अलग बात है कि माताओं महिलाएं दिन भर थके रहते हैं मनोरंजन के लिए टीवियां देखते हैं, लेकिन जब घर में उनके बच्चे आते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो कृपया अपना मनोरंजन को बंद करें सभी के लिए। तो मैडम रंजना जी जुड़े हैं, तो हम अंतिम और जानना चाहेंगे। मैडम रंजना जी, बेहतर और बेहतर प्रयास के लिए, बेहतर अच्छा हो जैसे आपकी ओर से, हर माताओं की ओर से, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किन्नौर के अभिभावकों के लिए खासकर? सभी किन्नौर के जितने भी अभिभावक अगर सुन रहे हैं, तो सभी अभिभावकों के लिए मेरा एक संदेश रहेगा कि जब भी स्कूल में आपको स्कूल में बुलाया जाता है, तो आप स्कूल जरूर जाइए और अपने बच्चों के पॉजिटिव, अपने बच्चों के जो अच्छी बातें हैं तो वो हम सुनना पसंद करते हैं, पर अपने बच्चों के क्या कमियां हैं उनको भी जरूर जानिए और उन कमियों पे काम कीजिए। मतलब अगर कमियां बता रहे हैं तो टीचर्स उस पे, उन कमियों पे वर्क कीजिए, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप टीचर से ही बात कीजिए कि मतलब किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। तो हर बार उन कमियों को सुनते तो हैं अभिभावक, पर उसे इग्नोर करके वो वैसे ही, मतलब वैसे ही चलता रहता है, जिससे स्कूल जाने का या जिससे मीटिंग अटेंड करने का या जिससे बच्चे के बारे में परफॉर्मेंस जाने का कोई फायदा नहीं रहता है। तो सभी अभिभावकों से मेरा मतलब विनम्र विनती है कि अगर आप कभी भी अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को जानने के लिए या किसी भी मीटिंग में अगर जाते हैं, तो अपने बच्चे का प्लस माइनस दोनों उस पे अच्छी तरह से उसे जानिए और उस पे काम कीजिए। अगर आपसे नहीं है तो आप स्कूल प्रशासन के मदद से भी आप कर सकते हैं, तो इसे इग्नोर ना कीजिए। अगर इग्नोर नहीं करेंगे, आप और हम अभिभावक और अध्यापक मिलकर करेंगे काम, तो हमारा नेचुरली हमारा बच्चा बहुत आगे जाएगा और ये बच्चे के लिए भी, स्कूल के लिए भी और आपके लिए, हम तीनों के लिए बहुत फायदे वाली बात होगी। जी, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पर बताया। और हमारे साथ जुड़े हैं रतन जी, अगर आप जुड़े हैं तो अपनी प्रतिक्रिया रखें। रतन जी, शायद सिग्नल की दिक्कत है, तो यहाँ पर प्रीतम रेखा माँ और अंतिम आपसे एक जानना है कि जीके के पीछे हमारे किन्नौर के बच्चे बहुत पीछे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जीके क्या जरूरी है सब आपको भविष्य के लेकर, क्या जीके पढ़ना और जीके का महत्व को आप थोड़ा सा बताएं हमारे जो है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों में जीके बहुत कम देखने को मिल रहा है। जीके क्या
के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ प्रतिक्रिया रखें। जीके मेनली जो हम लोग स्कूल लेवल तक के जो एजुकेशन लेते हैं उसमें जो जितने भी जो सब्जेक्ट है उसी में ही वो सारी चीजें होती है जो जीके में है ना। और जो प्लस टू लेवल तक की जो भी हम साइंस पढ़ते हैं या हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं और कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं वो सारा हमारा जीके है। और जहाँ तक करंट अफेयर के बारे में बात करें जो देश विदेश में क्या चल रहा है तो उसके लिए बच्चों को पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको न्यूज़ एटलीस्ट या न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर आप उनको हैबिट डाले पढ़ने की तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक न्यूज़ चैनल के बारे में बात करें बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, मुझे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि उनको देखना चाहिए। कुछ न्यूज़ चैनल है जो अच्छे हैं जैसे डीडी न्यूज़ है और राज्यसभा टेलीविजन है, लोकसभा टेलीविजन है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड न्यूज़ होते हैं। और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से, सिविल सर्विस के एग्जाम के पर्पज से, कोई भी एग्जाम के पर्पज से वो जो है बहुत ही जरूरी है, वो पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए। और एटलीस्ट स्टूडेंट को ये हैबिट बनानी चाहिए कि एक न्यूज़पेपर वो पढ़े और कोई एक मैगजीन, अगर किन्नौर में शायद अवेलेबल, ऐसा तो नहीं होगा कि किन्नौर में अवेलेबल नहीं होगा, रिकॉन्ग की ओ हेडक्वार्टर में या और जगह भी जहाँ बुक सेलर है, कोई मंथली जो मैगजीन है वो बच्चों को पढ़ना चाहिए। और उसमें हालांकि पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और जो टीचर्स हैं उनको खासकर ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको मोटिवेट करें कि वो एक न्यूज़पेपर रेगुलर वो पढ़े या उन्हें लगाए। और उसके साथ साथ कोई एक मंथली जो मैगजीन है, बहुत सारी मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण के नाम से आती है, क्रॉनिकल के नाम से आती है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस के भी मैगजीन्स आते हैं जिसमें करंट अफेयर इंक्लूड होता है, जीके इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के जो टेस्ट पेपर है या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो जो है उसमें होते हैं। तो वो बच्चों को पढ़ना चाहिए और पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको कराना चाहिए, टीचर्स को भी जो है करना चाहिए। बहुत बेहतरीन आप लोगों ने जानकारी दिया, तो आप लोगों से फिर दोबारा कभी मिलेंगे और इन्हीं विषयों को लेकर। मैडम रंजना जी, आप तो वैसे भी हमारे पेज के साथ जुड़े रहते हैं, आपका फोन की दिक्कत रहती है, अगर बीच में टाइम मिले तो हमारे अन्य एपिसोड के लिए आप दोबारा समय निकालें। और रतन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि आप दोनों को। शुभ रात्रि सभी को। आज का विषय हमारा था कि अगर बच्चों बच्चे जो 100% लेते हैं तो क्या अन्य बच्चों में प्रभाव पड़ता है। तो अभिभावकों ने या फिर हमारे आज के टीचरों ने कहा कि एक रोल मॉडल देखते उनको देखना चाहिए। और यहाँ पर राजेंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन टीचर है और बेसिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ग्रामर और जीके बहुत बेहतरीन है और बच्चों को पढ़ाई के लिए, और जिस प्रकार से एक न्यूज के बारे में कहा तो सबसे पहले तो इन्होंने जिक्र किया कि लोकसभा और राज्यसभा और डीडी न्यूज, इस पर फोकस किया। और कुछ पत्रिकाओं के बारे में कहा कि जो मासिक पत्रिका होती है उस पर भी जो है बच्चों को वो करें। बाकी जो जीके है आपका बेसिक उसी में रहता है, जो अलग से जो है आपको न्यूज देखना बहुत जरूरी है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस पेज को फॉलो जरूर करें, आपका ये पेज आपके गांव में हर लोगों के पास पहुंचे ताकि हम आपके हर जो गांव की समस्या हो, अपने शहरों की समस्या हो, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित सभी विषयों को आप लेकर आए। तो मिलते हैं हम कल के एपिसोड में। कल हमारा रूबरू एपिसोड है जिस जो महीने के अंतिम शुक्रवार को रहता है। इसमें हम ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं जो एक अलग से अचीवमेंट किया हो। इस बार हम मिलेंगे आपको हमारे अमित नेगी जी जो पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट विजेता, और हमारे इंडिया के, भारत के, हमारे सांगला से, बट सिरे से, उनके साथ हम चर्चा करेंगे।
और मिलेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, और आप लोग यूं ही बने रहे हमारे पेज को, और जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं हमारे पेज में नंबर है, या हमारे पर्सनल उसमें आप जो है मैसेज करें, कमेंट करें, अन्य किसी इस एपिसोड को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। अब मैं राम भगत नेगी, शुभ रात्रि, नमस्कार।